नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को कई मामलों में फैसड्डी साबित बताया गया है और इस रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है। पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूबने की बात कही, दूसरी तरफ आज तेजस्वी ने एक बार फिर इन रिपोर्ट्स के आधार पर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। बोलिएगा मत, नीति आयोग ने जब इनके बारे में सारे स्टेटस को बताया, अनुपात के हिसाब से बताया, 97-98 में भारतवर्ष के औसत आय से हम लोग 31% से अधिक थे 97-98 में, और 97-98 के बाद जिसमें हमारा भी कार्यकाल है इनका भी कार्यकाल है, ये दोनों पर मिलाकर के 33% राष्ट्रीय औसत के हम लोग हैं। कौन सी बढ़ोतरी हुई? हाँ, पैसा भारत की सरकार से आता गया और उस पैसे को लूटते और लूटवाते चले गए। अनप्रोडक्टिव काम इन्होंने बार बार किया, अनप्रोडक्टिव, पुल ठीक है, सड़क ठीक है, लेकिन अस्पताल नहीं बनाओगे तो स्वास्थ्य के ह्यूमन इंडेक्स में कैसे ऊपर जाओगे? एजुकेशन पर व्यय नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? भाजपा ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। बिहार नीति आयोग की बात जहाँ तक है, देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 6 महीने पर बदलते रहती है। पहले नीति आयोग की रिपोर्ट पर आपने देखा होगा कि बिहार अधिकांश मानकों में बिहार भारत में सबसे आगे था, और यह क्षणिक मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कोरोना काल में निश्चित रूप से कुछ कमियां रही हैं बिहार सरकार की, हमारे विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्ध आए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से उसमें सुधार करके फिर देखेंगे। 6 महीने में फिर से हम उसी स्थिति में खड़े होंगे, बिहार फिर से सभी देश के सभी राज्यों से आगे होगा, और निश्चित रूप से राजद के लोगों को खुद अपने आईने में देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार को किस गर्त में डाला था और हमारी एनडीए की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार किस स्थिति में लाने का काम किया है। आज भाजपा और जदयू की सरकार निश्चित रूप से दूसरे राज्यों के लिए मानक है और बहुत चीज़ों में हम बहुत आगे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, सभी गांव में बिजली पहुँच चुकी है, नली गली बन चुके हैं, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, सड़कें बनाई जा चुकी हैं, और जो बचे हुए कार्य हैं निश्चित रूप से बहुत कम समय में पूरा होंगे। रोजगार का वादा जो हमने किया था उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसलिए राजद खुद अपने अंतरात्मा पर हाथ रख के देखे कि उन्होंने कितना बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया था। पटना से ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा।